आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे, उसका नाम है, मैं उससे पहले ना कुछ आपको चित्र दिखाऊंगी, उससे आपको समझ में आता है क्या। देखो हम क्या सीखेंगे। ये हमारे पाठ का नाम है क्रिया। ये चित्र देखो और आपको क्या दिख रहा है वो मुझे आप बोलना है। कोई पेड़ के ऊपर बैठा है, पेड़ पर बैठा है, कोई सो रहा है, कोई रंग लगा रहा है दीवार को, कोई पानी में नाव चला रहा है, वो नाव होती है ना पेपर की, कोई घसरण के ऊपर खेल रहा है। मतलब ये अलग अलग बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना। इससे क्या है, मतलब है खेलना, दौड़ना, उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सब क्या है, ये लोग क्या कर रही है आपको यहाँ पे देखना है। तो ये लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं अभी। और ये सभी क्या कर रहे हैं देखो, कोई साइकिल चला रहा है, कोई अपने कुत्ते को घुमाने लेके आया है, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, स्केटिंग्स कर रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं, मतलब कई छोटे बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये जो करने का जो काम है इसको ही हम क्या बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे। ये आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं, पर क्या, देखो हाँ पिक्चर, पिक्चर देख के आपको बताना है कि कौन किसको क्या कहना चाहता है। देखो हाँ, एक लड़का बहुत जोर जोर से हंस रहा है, कोई आईने में देख रहा है, कौन बताएगा कि ये क्या कर रहे हैं। सब अपने अपने धुन में है, मस्ती कर रहे, देखो है ना। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ये सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो उसको ही हम क्या करेंगे, क्रिया, वर्ब जो आप अंग्रेजी में बोलते हैं ना वर्ब, तो क्रिया की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो क्रिया क्या है, क्रिया वे शब्द है जिससे किसी काम का करना या होना, मतलब अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं जब काम करूंगी तो ही वो काम होगा ना। तो क्रिया वे शब्द है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। जैसे जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उन्हें हम क्रिया कहलाते हैं। मतलब मैं कुछ काम करूंगी तो ही होगा, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना किसी स्थिति का बोध हो उन्हें हम क्रिया कहलाते हैं, और क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए गए, मतलब वो क्या है, क्रिया है, चित्र के साथ बताया गया है। कोई फुटबॉल के साथ खेल रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, भागना, चिल्लाना, मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं, वो आप पढ़ो। क्रिया क्या है, काम का करना या होना। सीधे साधे आप शब्दों में आपको अगर क्रिया की परिभाषा क्या है, क्रिया काम का करना या होना, भागना, नाचना, पढ़ना, चिल्लाना, सुनना, खेलना, बोलना, देखना, बहुत सारे जो कुछ हम काम करते हैं उसको किया जाता है, वो क्या होती है, क्रिया होती है। तो अभी आपको क्रिया क्या है वो समझ में आया ना, काम का करना या होना। अभी हम क्रिया के भेद देखेंगे। क्रिया के दो भेद है, एक है सकर्मक और एक है अकर्मक, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अभी अकर्मक और सकर्मक क्या है वो हम देखेंगे। अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिन क्रियाओं का असर कर्ताओं पर ही पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिन क्रियाओं का असर कहाँ पड़ता है, कर्ता पर, जिसका सीधा असर कहाँ पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया बोलेंगे। जैसे कि श्वेता रो रही है, क्रिया क्या है, अभी यहाँ पे रोना क्रिया, आपको क्रिया मान, चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सब क्या है, ये क्रिया है, जो काम हम करते हैं। अकर्मक क्रिया का असर किसके ऊपर, सीधा कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। ऐसी कर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। डायरेक्ट राकेश सोता है, सीमा रोती है, बच्चे तैर रहे हैं, बस चलती है, मतलब कुछ भी अन्य कुछ यहाँ चित्रों से कुछ उदाहरण बनाओ। हाँ, मोहन उस बस के पीछे दौड़ रहा है, मोहन दौड़ रहा है, मैं उठ रही हूँ, आप खेल रहे हैं, ऐसे कुछ भी बहुत सारे उदाहरण आप
बना सकते हो। बच्चे तैर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, झूले झूल रहे हैं, ऐसे इस प्रकार के जो उदाहरण है वो अकर्मक क्रियाओं में आएंगे। श्वेता रो रही है, शिशु जाग रहा है, बच्चे तैर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? हंसना, रोना, जागना, तैरना, ये क्या है? सब कर्ता। उसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर। और जब ये मैंने ऊपर बोला ना, शबनम, श्वेता, शिशु, बच्चे पर क्या है? बच्चे पर पड़ रहा है, तो इनमें से कोई कर्म नहीं है, नहीं किसी कर्म की आवश्यकता है, ये अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस हिंदी में कुछ अन्य अकर्मक क्रिया भी निम्नलिखित है, जैसे कि बढ़ना, सोना, खेलना, बैठना, कूदना, दौड़ना, इस प्रकार से। तो अकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। दूसरी है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं तो किसके ऊपर पड़ेगा? अभी यहाँ पर कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्म आवश्यक होता है। अकर्मक पे क्या देखा हमने? वहां पे कर्म जरूरी नहीं होता है, रोता है, सोता है, उठता है, बैठता है, खाता है डायरेक्ट। लेकिन यहाँ सकर्मक में क्या होता है? यहाँ पे कर्म की आवश्यकता होती है। नेहा कहानी पढ़ती है, नेहा पढ़ती है अगर हमने बोला तो वो अकर्मक हो गया। नेहा कहानी पढ़ती है, मैं लेख लिखता हूँ, सकर्मक क्रिया वाक्य हो गया। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। सुरेश मिठाई खाता है, यहाँ देखो भीम लड्डू खा रहा है, भीम लड्डू खाता है। हाँ, तितलियां फूलों से शहद पीती है, मीरा फल खाती है, रीमा दौड़ रही है। देखो मतलब कुछ ना कुछ कर्म के साथ वो क्रिया हो रही है, तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में हम क्या याद रखेंगे? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। मुख्य क्रिया के साथ प्रश्न लगाइए। सकर्मक क्रिया की पहचान कैसी होती है? मुख्य जो क्रिया है, ओके, अभी समझो यहाँ पे क्रिया क्या है? लिखती है, लिखना है ना, तो उसके साथ आपको क्या, किसे, किसको, इस प्रकार के ना प्रश्न पूछने हैं। मुख्य क्रिया के साथ अगर आप प्रश्न लगाएंगे तो आपको किस प्रकार के प्रश्न, क्या, किसे या किसको, यदि आपको उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक हो गई। एक याद रखने के लिए क्लियो, ओके। मतलब मुख्य क्रिया के साथ अगर आपने प्रश्न लगाया, क्या, किसे, किसको, यदि आपको उत्तर मिल गया तो वो क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। नेहा क्या पढ़ रही है? फॉर एग्जाम्पल, नेहा क्या पढ़ रही है? तो कहानी पढ़ रही है, आपको उत्तर मिल गया। नेहा क्या पढ़ रही है? आपने प्रश्न पूछा उसको। सुरेश क्या खा रहा है? सुरेश मिठाई खा रहा है। हाँ, नेक्स्ट सचिन क्या खेलता है? सचिन क्रिकेट खेलता है। इस प्रकार से आपको उसको क्या, किसे और किसको से प्रश्न पूछने हैं तो आपको सकर्मक क्रिया वहां पे मिल जाएगी। धन्यवाद। तो अभी हमने यहाँ पे सीखा सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में, हमने यहाँ जाना, तो आपको ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके पढ़ के आना है। धन्यवाद।